अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफ़ानिक चश्मे। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमोड़े में होंगे। मैं पुलक का होस्ट द वन इन ऑल लाइक कुरट और आप लोगों के लिए वीडियो देख रहा है पाकिस्तानी मीडिया शॉक टू सी टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप बुर्ज खलीफा कुछ सनी सीन था भाई। वर्ल्ड कप फोटो ऑन बुर्ज खलीफा। हां बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा ये तो कवे तो होना तो भाई, ये कौन सी न्यू बात है यार। पूरा पाकिस्तान नाच रहा है, डिस्को कर रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीती है T20 का। चिंटू नाच रहा है, चिंटू गाय नाच रहा है, चिंटू तो ऐसे नाच रहा है जैसे इसके किसी रिश्तेदार का वलीमा हो। दोस्तों इंडिया के जीतने पे बुर्ज खलीफा की रंग बिरंगी लाइटें टीम इंडिया के लिए चला दी गई थी, यानी पूरी दुनिया में ही इस टीम को मुबारकें दी गई। क्या बात है भाई, क्या बात है, पाकिस्तानियों को छक्का पसंद है, समझ रहे हो, मतलब जो लगता है क्रिकेट मैच में। बड़ा हरामी हो बेटा। पंजाबी में कहावत है कि थोड़ी अन्नी नु थोड़ा मिल जाए ना वो बोतल आनी तो मना। पाकिस्तान टीम के ऊपर जब तक फिटनेस के ऊपर काम नहीं होगा हमारी टीम इंडिया की जैसी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं देगी। सोचना भी मत, और नहीं तो क्या। बिल्कुल रियलिटी है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, पाकिस्तान में बाबर आजम की नीलामी हो रही है। क्या बात कर रहा है, बोलियां लग रही है। $25 में ले लो, $20 में ले लो, हम फर्स्ट बाबर को ले लो, बात को ले लो, आप दो ना 2000 रुपए किलो। ये पाकिस्तानी प्लेयर गरीब बेचारे, खाता खाना पीना नहीं था, जब एकदम पैसा आया वो पागल हो जाते। बाबर का माशाल्लाह फेवरेट फूड है कहता बारबेक्यू। मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिन लोगों को अपनी शनाख्त का पता ना हो कि उनकी क्रिकेट टीम दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, मुझे बता रहे होते हैं कि उपुल वतनी क्या है, मुझे पता होना क्या होता। ये पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तान का नंबर वन जोकर रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग कम करता है, जोकर पना ज्यादा करता है, लेकिन कुछ सीरियस रिपोर्टर भी है पाकिस्तान में। ये वर्ल्ड कप जो है ये एटीट्यूड का वर्ल्ड कप था, यानी इसके अंदर इंडियन प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हैं, वो ट्रेनिंग बड़े सख्त हालात में करते हैं और वो क्रिकेट को प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, यानी बॉलिंग का शोभा हो, फील्डिंग का शोभा हो। है क्या हुआ, क्यों नाच रहे हो, कौन जीत गया? अहमद। क्या बोल रहे अहमद भाई? ये चिंटू बोल रहे हम जीत गए, अच्छी मेरा वर्ल्ड कप हम जीत गए। कौन सा वर्ल्ड कप यार, पाकिस्तान तो क्वार्टर में भी नहीं गया। लेकिन इंडियन बैट्समैन इतने कंसर्न हो चुके हैं कि उनको इस टाइम किसी का प्रेशर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान टीम का जो ख्वाब है टीम इंडिया से जीतना वो कभी पूरा हो सकेगा। बेटा तुम्हारे ख्वाब है ना, ख्वाब ही रहेंगे। क्वार्टर में भी नहीं गया पाकिस्तान तो वापस आ गए सारे अंग्रेजी बोल के। डेफिनेटली देखिए जी, डेफिनेटली देखिए जी, डेफिनेटली देखिए जी, डेफिनेटली देखिए जी, डेफिनेटली बस करो भाई बस करो, अब इससे ज्यादा अंग्रेजी मैं सुन ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ईपी भाई को भी गुस्सा आ रहा अभी। T20 की टीम है नहीं, अबे कंकशन पे तुमने रिजवान के 50 करवा दिए टेस्ट में, हमने भी देखा जहाँ पे जरूरत नहीं थी, आईसीओ से निकाल के तुमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला दिया। अबे ये कौन सी लानतें बरस रही है पाकिस्तान की क्रिकेट में, जबकि सरफराज था। हमने क्या गुस्सा ही कर ले जिंदगी भर, हमने क्या खारी निकालनी है, टांगे तुम्हारी इस काबिल नहीं है कि तुम दुनिया की 20 नंबर की टीम को कम्पीट कर सको, यूएसए जैसी टीम को, और बातें इतनी बड़ी तुम्हारी घंटे की लानत है यार। फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हार जाते हैं, शेक्सपियर की कब्र को भी लात लगा दी, और खेलना तो वैसे इनको नहीं आता, मैं चिंटू एजाज की टीम चले जाते हम जीत जाते इनसे ज्यादा मैच। कौन जीत गया, क्यों खुश हो रहा है चिंटू, क्या हो गया, क्या मसला क्या तेरे साथ? इंडिया मैच है, इंडिया मैच, इंडिया जीत गया। हाँ भाई हाँ, तू क्यों नाच रहा भाई, इंडिया जीत गया तो तू नाच रहा है, कमाल लोग हैं यार। मैं जरा अगर कोई बात कर दूं तो कहते हैं मेरा हुबल वतनी का सर्टिफिकेट छीन लेते हैं, पूरा पाकिस्तान नाच रहा है, डिस्को कर रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया T20 का। यार वो एक बड़े मशहूर वजीर का एक डायलॉग था, कुछ शर्म हो, मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिन लोगों को अपनी शनाख्त का पता ना हो कि उनकी क्रिकेट टीम दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, वो मुझे बता रहे होते हैं कि हुबुल वतनी क्या है, मुझे वतन होना क्या होता है। भाई आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करोगे? अगर ये कहा जाए कि भारतीय बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया तो गलत नहीं होगा। बहरहाल भारत को दूसरी बात T20 का आलमी चैंपियन बनने पे बहुत मुबारक हो,
रोहित शर्मा हो, कोहली हो, इन समेत तमाम प्लेयर्स ने कमाल खेल पेश किया। और मैं तो कहूंगा क्या जबरदस्त कैरेक्टर शो किया है कि रोहित की कप्तानी और कोहली की बैटिंग का फैन तो मैं पहले भी था, पर जो उन्होंने ट्रॉफी जितवा कर नए आने वालों के लिए जगह छोड़ दी है और रिटायरमेंट ले ली है, तो मैं आपको बताऊँ इससे साबित हो गया कि दोनों इंसान भी बहुत बड़े हैं। हिंदुस्तान में सब चीज बढ़िया है और सब चीज अगर कहीं घटिया है तो वो पाकिस्तान के अंदर है। ये बात तुम तस्लीम कर लो, मान लो, स्वीकार कर लो, उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ये बाबा बंटी का आशीर्वाद है तुमको। और ये वही रिपोर्टर है जो इजमाम उलक की हाँ में हाँ मिला रहा था और ये कह रहा था कि अर्शदीप ने कि बॉल रिवर्स थिंक कर रही है ना, तो वो गेंद बनाई उन्होंने, मतलब टेम्परिंग की, बॉल टेम्परिंग। समझ गया। अब भारत की जीत की बधाइयां दे रहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको, अगर भारत की टीम ये मैच हार जाती, फाइनल हार जाती, आप लोग दो दिन तक सोशल मीडिया का बायकॉट कर चुके होते, क्योंकि पाकिस्तान इतने मीम बना देते, इतने मीम बना देते, आप सोशल मीडिया खोल के नहीं देखते। और सबसे मेन तो आपको खुद को तकलीफ होती है, आपको कुछ करने का भी मन नहीं करता। जो जज्बात, जो फीलिंग हमारे देश के साथ, हमारी जो भावनाएं जुड़ी होती है वो बहुत बहुत गहरी होती है। और ये वीडियो देखिए आप, इससे ज्यादा गहरी भावना आपको कहां मिलेगी। इस तरह की वीडियोस जो है ये खुशी जो करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलता। ये थी वीडियो, ये जो लास्ट वाला सीन था ये बहुत ही मुझे इमोशनल कर गया, मतलब बहुत ही दिल लगा कि यार इस तरह की जो है होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी टीम जीती है अफगानिस्तान की टीम, तो हमारे बहुत सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में बहुत सारे मतलब एक दूसरे को तू तू में चल रहे होते पॉलिटिक्स को लेकर, लेकिन जब ये जीता तो हर तरह के लोग निकल आए, लोग सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, सारे मिल जाते हैं, खुशियां एक दूसरे एक बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये वीडियो थी, बाकी अगर आपने देखा होगा इसमें बिल्कुल सही बात की गई थी भाई, पाकिस्तानी टीम इस बार बहुत ज्यादा खत्म थी, बहुत ज्यादा खत्म थी भाई, एक दो तीन ग्रुप में बिट गई थी इस बार। तो दूसरी ये सारा एटीट्यूड की वजह से इस तरह होता है, ये लोग अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं। नहीं यार, कोई कहता है कि यार मैं शेर बनूं और बाकी मेरा नेचर है, यही होता है, हसन अली तो वो तो जनरेटर है, वो तो भी किसी काम का नहीं, उसको तो टिकट की वजह से जो है उसको ले लिया था इस बार। वो भी करेगा, उसको किंग बुलाते हैं भाई साहब, प्लास्टिक का किंग होता है, घंटे होता है, अच्छा प्लास्टिक क्या हो गया, हम लोग बोलते हैं जिम्बू। और भाई बुर्ज खलीफा वाला तो वो तो कोई मामूली बात है भाई, इंडियन टीम का नहीं लगाएगा तो किसका लगाएगा भाई, वर्ल्ड चैंपियन बना है तो लाजमी बात है उसका। बाकी ये वीडियो दिस अच्छा लगा शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्रेस योर फॉलो बटन, साथ में जो मेरा आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जरूर करें, तुम तो चलेंगे सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी कहना इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।